हेलो, नमस्कार दोस्तों। इन्वेस्टिंग हॉबी चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं एक आईआईटी ग्रेजुएट हूँ और मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट हूँ। मैंने अपनी सर्टिफिकेशन एक्सेलराइज जमशेदपुर से की है। दोस्तों, ये मेरी चैनल है इन्वेस्टमेंट नॉलेज। कृपया इसको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दूसरी मेरी यूट्यूब चैनल है इन्वेस्टिंग हॉबी, तो इसको भी दोस्तों के बारे में बताइए, दोस्तों को बताइए कि इन्वेस्टिंग भी एक हॉबी हो सकती है। अगर आप इसे हॉबी के तौर पे धीरे 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 अपने इस पे काम करें, तो एक आपको एक आने वाले समय में बहुत अच्छी आपको रिटर्न दे सकती है। सो चलिए दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं पिछले वीक कैसा रहा। तो पिछले वीक मैंने जो वीडियो डाली थी, पीएसयू बैंक्स आउट परफॉर्मेंस, आप अगर पीएसयू बैंक्स का चार्ट जाके देखें, तो अभी पिछले वीक लगभग बैंक्स 20% 25% तक ऊपर चले गए। जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी भी काफ़ी अच्छी तेजी आई। बैंक ऑफ बड़ौदा, मैं पहले से ही बोल रहा था, तो बैंक ऑफ बड़ौदा भी काफ़ी तेज रही। उसके बाद एसबीआई में भी अच्छी तेजी आई। फिर दोस्तों, इस वीक पिछले वीक एक बहुत बड़ी न्यूज आई यूएसए से, वो थी यूएस सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा जो थी वो काफ़ी अच्छी आई, क्योंकि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि सीपीआई अक्टूबर के मंथ का में 8% रहेगी, बट जो रिपोर्ट निकल के आई वो 7.7% रही। दोस्तों, अगर आप सोच रहे होंगे कि 0.3% से क्या फर्क पड़ता है, तो यही एक 0.3% ही वो फिगर है जिसने मार्केट में बहुत बड़ा सेंटिमेंट जनरेट किया, पॉजिटिव सेंटिमेंट जनरेट किया, और यूएसए मार्केट में भर भर के तेजी आई। इसके बाद इंडियन मार्केट में भी पिछला फ्राइडे काफी तेज रही, 300 पॉइंट के ऊपर रही निफ्टी। सो दोस्तों, एक्चुअली ये सेंटिमेंट आने का रीजन ये था कि यूएसए फेड जो थी वो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रही थी इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। इन्फ्लेशन यूएसए में एक लगभग 30-40 सालों में ये पहली बार आई इस तरह से इतना ज़्यादा, क्योंकि यूएसए में इन्फ्लेशन लगभग 2% 3% रहती थी, लेकिन ये 8% यूएसए ने पहली बार देखी है। तो इसलिए बहुत इन्वेस्टर्स में डर का माहौल था कि मार्केट में आगे रिसेशन आएगी रिसेशन आएगी, बट अभी जो रिपोर्ट आई 7.7%, इससे लोगों में ये आशा जगी है कि फेड फेड जो एक्शन ले रही है वो मार्केट में काम कर रही है और फेड के कंट्रोल में है इन्फ्लेशन। तो इस वजह से मार्केट में काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट आ गई और रिसेशन का जो डर था लोगों में वो अब ख़त्म हो चुका है। अब आने वाले समय में धीरे 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 लोगों को विश्वास है कि फेड ये इन्फ्लेशन कंट्रोल कर लेगी और रिसेशन ख़त्म हो जाएगा। सो इस वजह से दोस्तों, आपने देखा होगा फ्राइडे का मार्केट काफ़ी तेज था, खासकर आईटी स्टॉक्स, चूंकि यूएसए से ज़्यादा बिजनेस आती है आईटी स्टॉक्स की, तो आईटी स्टॉक्स काफ़ी तेज रही और एक बहुत तेजी आने का संभावना है। अब आईटी स्टॉक्स एक लाइक यू कैन कीप इट इन वॉच लिस्ट, इसको आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। आईटी स्टॉक्स को अच्छे अच्छे शेयर काफ़ी कम दाम पे मिल रहे हैं, तो उसको आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड भी कर सकते हैं। दोस्तों, निफ्टी 50 जबरदस्त रही फ्राइडे को। अब लग रहा है कि सारा खतरा टल चुका है निफ्टी के लिए, राहें आसान हो चुकी है, तो अब मार्केट को इस हिसाब से ऊपर जाना चाहिए। फिर भी देखते हैं डॉजोन्स। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मार्केट 2500 डॉजन्स 2500 पॉइंट ऊपर जाएगी, उसके बाद एक रेसिस्टेंस है, उस रेसिस्टेंस को डॉजन्स अब क्रॉस कर चुकी है ड्यू टू दैट सीपीआई इन्फ्लेशन, जो पॉजिटिव इन्फ्लेशन का जो डेटा आया उसकी वजह से क्रॉस कर चुकी है। तो यूएसए मार्केट में भी अब जो सबसे बड़ा रेसिस्टेंस था उसको अब यूएसए मार्केट ने क्रॉस कर लिया है, तो मार्केट अब धीरे 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 आने वाले समय में उनको ऊपर जाने से रोकने वाला अब नहीं लग रहा है कि कोई ऐसा चीज़ है जो फैक्टर है जो अब रोकेगी। तो इस हिसाब से वर्ल्ड मार्केट में भी काफ़ी तेजी आने का चांस है। दोस्तों,
तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं इस वीक कौन से शेयर्स रहेंगे जो अच्छा परफॉर्म कर सकती है, जिसको आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए। अगर उसमें तेजी आती है तो आप उसमें तेजी खेल सकते हैं। उसमें है एक्जो नोवल इंडिया लिमिटेड, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड, माइंडट्री, माइंडट्री इज आई टी स्टॉक, एम्फेसिस, एम्फेसिस इज ऑल्सो एन आई टी स्टॉक, गॉडफ्रे फिलिप्स, हिंडाल्को, एच ए एल एंड भारत फोर्ज। दोस्तों भारत फोर्ज, एक भारत फोर्ज के बारे में स्पेशली ये मेंशन करना चाहता हूँ कि भारत फोर्ज को 155 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला है आर्टिलरी गन्स का इंडिया से। जो डिफेंस सेक्टर में जो एक्सपोर्ट अब धीरे धीरे स्टार्ट होने वाली है, उसमें भारत फोर्ज को ये बहुत बड़ा एक डील मिला है। तो इंडिया के लिए भी एक बहुत बड़ा ये प्राउड का मोमेंट है कि हमारे देश की कंपनी को एक इतनी बड़ी डील मिली है। सो इसलिए भारत फोर्ज को भी मैं आपको ट्रैक लिस्ट में डालने के लिए बोलूँगा। ठीक है दोस्तों, तो अंत में मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि कृपया अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।